मुस्लिम भंगी, उसको वहाँ कब्रिस्तान में दफन करने नहीं दिया अपर कास्ट के मुसलमानों ने, तो भेदभाव तो कहीं ना कहीं है साहब। क्या आपका सामाजिक शोषण होता है? बिल्कुल होता है। आपको सीवर में मरने वालों की संख्या पता है? दिल्ली में, अब दिल्ली की बात करता हूँ, दिल्ली में सीवर छुआछूत होती है आपके साथ? मैं बता रहा हूँ, बड़ा अच्छा प्रश्न किया आपने। सीवर में मरने वाले की सूची जारी हुई, उसमें 14 मुस्लिम थे। इसका मतलब सीवर हम साफ करते हैं, एक बात हो गई। एक सेठ जी, सो कॉल्ड मनुवादी, या और कह दूं अपर कास्ट, फोन करता है हमारे घर में चौकअप हो गया है बाथरूम, ठीक है आ जाओ। कौन जाएगा? हमारे समाज का ही कोई जाएगा, चाहे वो मुस्लिम में हो नॉन मुस्लिम में हो, जो इस पेशे से जुड़ा है, उसके साथ क्या व्यवहार होगा? उसको वही समझा जाएगा जो समझा जाता है, उसके साथ जो सोशल बिहेवियर होगा। आप घुमा कर लाते हैं धर्म पर कि आपके यहाँ तो छुआछूत नहीं है, इस्लाम में छुआछूत नहीं है, भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हिंदुस्तानी तहजीब, यहाँ छुआछूत है। और ये आरक्षण धर्म के नाम पर नहीं मिला, आप इस्लाम का नाम क्यों लेते हैं? मोदी जी बताएं, आरक्षण धर्म के नाम पर है क्या? आपने 10% जनरल कैटेगरी को असंवैधानिक आरक्षण दिया, उसमें धर्म है क्या? दोनों है ना, हिंदू मुस्लिम दोनों जनरल जा रहा, तो जनरल को तो आपने दे दिया, उसमें तो आपने धर्म नहीं लगाया। ओबीसी का आपने दिया, धर्म है क्या? नहीं है। तो मुसलमान अगर ओबीसी हो सकता है, मुसलमान अगर जनरल हो सकता है, तो मुसलमान एससी क्यों नहीं हो सकता? एससी छोड़िए, तो मुसलमान जनरल ओबीसी भी होता है? है, ओबीसी में सारे मुसलमान लाभ ले रहे हैं जो उस कैटेगरी के हैं। ओबीसी में आप लोग लाभ ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? सारे लोग जानते हैं ओबीसी में लाभ ले रहे हैं। और सुनिए, एसटी शेड्यूल ट्राइब, उसमें भी मुसलमान लाभ ले रहे हैं। पीएम सईद लक्षद्वीप से आते हैं, एसटी लोकसभा है, एसटी। लेकिन ये बड़े बड़े मौलाना कहते हैं हम तो सब एक है, एक बड़े मौलाना कौन है? हमसे बड़ा कोई मौलाना है क्या? मौलाना को पता नहीं कि एसटी लोकसभा सुरक्षित है? हम एक कटोरी में खाते, कोई छुआछूत नहीं है। फिर वही बात, मैं कह रही इस्लाम में छुआछूत नहीं है, किसी से भेदभाव नहीं, आपसे भी नहीं है, किसी से नहीं है। गजेंद्र जी आप क्यों बात खुलवा रहे हो? हम आपके अभी खाना खाने के लिए तैयार हैं, खाते हैं, हमारे रिश्ते हैं, हमारे संबंध हैं, इस्लाम में नहीं है। भारतीय जो सोशल सेटअप है, जो सामाजिक व्यवस्था है भारत की, उसमें है। और बाबा साहब अंबेडकर धर्म के लिए नहीं लड़े थे, समाज के लिए लड़े थे, ठीक है? तो समाज जैसे हिंदुओं में अपर कास्ट दलितों पे अत्याचार छुआछूत करता है, तो आप लोगों पे कौन लोग हैं जो अत्याचार छुआछूत करते हैं? देखिए, अत्याचार कौन सी जात के, कौन सी कास्ट? अत्याचार एक अलग विषय है, अत्याचार निवारण एक्ट। सामाजिक शोषण छुआछूत कौन लोग? शोषण होता ही है। देखिए, जातीय व्यवस्था मुसलमानों में भी है, हिंदुओं में भी है, और कन्वर्जन दुनिया जानती है। भारत में इस्लाम जब आया तो लोग इस्लाम की तरफ आए, तो कौन से लोग आए? अरब, पाकिस्तान और ईरान से आए क्या? भारत के ही लोग थे, वही लोग थे जिनको लगा कि इस्लाम में जाकर सुकून मिलेगा, और सुकून मिला भी उन्हें। मस्जिद में सुकून मिला, मदरसे में सुकून मिला, दस्तरखान पे सुकून मिला, लेकिन भारत में जो सामाजिक व्यवस्था थी उसके शिकार वो हुए, और उसके शिकार हुए तो आज भी धोबी नाई तेली हलालखोर शक्का क्या कहते हैं ललबेगी नट बखो बंजारा, आप जाए राजस्थान चले जाए। दलित पुजारी नहीं बन सकता ना, आप लोग तो मौलवी बन सकते हो ना। देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध शहर है मध्य प्रदेश का, जहाँ मंदिर है, क्या नाम है बहुत बड़ा, उज्जैन। उज्जैन में मुसलमानों की एक आबादी है हेला। क्या है? इधर सुनिए अब, हेला जो है वो साफ सफाई का काम करे, यानी भंगी, मुस्लिम भंगी, उसको वहाँ कब्रिस्तान में दफन करने नहीं दिया अपर कास्ट के मुसलमानों ने, तो भेदभाव तो कहीं ना कहीं है साहब। कल हमने सवाल पूछो, बोले ऐसा है नहीं कहीं भी, महाराष्ट्र की कब्रिस्तान में अलग अलग होते हैं, उन्होंने कहा गलत है। देखिए, बिहार में एक घटना घटी थी आज से 20-25 साल पहले, वहाँ भी कब्रिस्तान में दफन करने नहीं दिया जा रहा था। ये सब कुछ है, इस पर अलग काम कर रहे हैं वो जो आप बताए, तो मिट्टी डाली जा रही है, वो बड़े लोग मिट्टी डालते हैं, जिनका आपने कहा बड़े मौलाना, वो मिट्टी डालते हैं, हम उस मिट्टी को हटा के उस सच्चाई को जो सच है उसको सामने लाते हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ, इस्लाम मजहब मसावात का पैगाम लेकर आया था, मजहब में भेदभाव नहीं है, भारतीय व्यवस्था में भेदभाव है,
और हम उस भेदभाव के दोनों तरफ से शिकार हैं। आप एकलौते शिकार हैं, हम अपर कास्ट नॉन मुस्लिम और अपर कास्ट मुस्लिम के भी शिकार हैं, बात समझिए। लेकिन मसला यह है कि हम आप चाहते हैं कि हम केवल अपर कास्ट को गाली बकें और आप उसका लाभ लें, यह मसला नहीं है। हमारा मुद्दा है कि जिस तरह हिंदू धोबी को आपने लाभ दिया, मुस्लिम धोबी को दीजिए, हिंदू नाई को दिया, मुस्लिम नाई को दीजिए, हिंदू तेलू को दिया, मुस्लिम तेली को दीजिए, हिंदू अगर शक्का को दिया, सफाई कर्मी को दिया, तो मुस्लिम सफाई कर्मी को दीजिए, हिंदू जलाहे को दिया, तो मुस्लिम जलाहे को दीजिए। हिंदू जिस जिन बिरादरी में है, जहाँ जहाँ है, उसकी सूची बनी है, और सेम नाम सेम काम, सेम नाम और सेम काम दोनों मौजूद है। तो जब काम एक है, नाम एक है, सब कुछ एक है, तो सुविधा अलग अलग क्यों? इसका मतलब धर्म के नाम पर मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है, हम उसका विरोध कर रहे हैं। आपने जवाब नहीं दिया, जैसे हिंदू धर्म में जो अपर कास्ट है, ब्राह्मण है या कोई बनिया है, वो दलितों के साथ छूतछात करता, भेदभाव करता, आपके साथ कौन करता है? हमारे साथ कोई नहीं करता, इस्लाम में छुआछूत नहीं है। छुआछूत एक अलग शब्द है, अनटचेबिलिटी आरक्षण का आधार नहीं है। सामाजिक जो पिछड़ापन है, कैटेगरी क्यों बनाया गया? एक मिनट रुकिए, अरे हमसे पूरी बात सुनिए। ओबीसी की लिस्ट किसने बनाई? किसी के पेशानी पर ओबीसी लिखा है? काम से, पेशे से जोड़ा गया। एससी किसी के पेशानी पे लिखा है? पेशे से निकाला गया। तो जब पेशे से निकाला गया, तो पेशे में सबको आपने लिया, तो 341 में मुसलमान को क्यों छोड़ा उसी पेशे से? अगर हिंदू कपड़ा बुनता है, हिंदू कपड़ा धुनता है, हिंदू रुई धुनता है, अगर हिंदू क्या कहते हैं कपड़ा सिलता है, कपड़ा धोता है, उसको आरक्षण है। मुस्लिम हमारे साथ भेदभाव नहीं होता, उनके साथ भेदभाव होता है। किनके साथ भेदभाव होता है? अरे धोबी धोबी है, आप हिंदू मुस्लिम वाला क्यों कर रहे हो? धोबी धोबी है, नाई नाई है, तेली तेली है, शक्का शक्का है, सफाई कर्मचारी सफाई कर्मचारी है, नट नट है, मदारी मदारी है, बक्को बक्को है, डफाली डफाली, हलाल खोर है, चमेला चमेला, जोजा जोजा, जो है वो उसका सोशल स्टेटस इक्वल है, रिलीजियस स्टेटस चेंज है। आप समझिए कि नहीं, आप जहां लेकर जाना चाहते हैं, आरएसएस यही तो कहती है कि आपके अनटचेबिलिटी नहीं, इसलिए आरक्षण नहीं देंगे। अरे भाई, और अगर अभी कहा देखिए फिर भाई, अरे मेरे इस्लाम में नहीं है ना यार। लेकिन एक सफा मैं बार बार कह रहा हूं कि एक ब्राह्मणवादी सोच का व्यक्ति फोन करता है कि मेरे यहाँ लैट्रिन चौकअप हो गया है, जाम हो गया, सफाई करनी है, चाहे वो नॉन मुस्लिम उसके घर जाए या मुस्लिम उसके घर जाए, उसका बिहेवियर जो सोशल बिहेवियर होगा वो सेम होगा, वो नाम नहीं पूछेगा, वो जान रहा कि आया लैट्रिन साफ करने, तो ये वही ग्रुप का है। एक धोबी जब कपड़ा धोने के लिए जाएगा किसी गाँव में लेने, कपड़ा पहले गाँव में लेने जाते थे और पहुँचाने जाते थे, आजकल लॉन्ड्री हो गया, तो उस धोबी की हैसियत से जाएगा, वो हिंदू मुसलमान की हैसियत से नहीं जाता, पहले इसको समझिए। तो सिर्फ मुस्लिम सही, अरे वो जनरल कैटेगरी, उसको ईडब्ल्यू सुनिए, किस आधार पे दिया? वही सवाल है ना मेरा। वो दिया इकोनॉमिकल विकर सेक्शन, जो गैर संवैधानिक है, और आप लोगों ने उसको पचा लिया, मायावती ने पचा लिया, रामविलास पासवान मर गए पचा लिया, ये सब संविधान के दुश्मन जिन्होंने पचा लिया, विरोध होना चाहिए था, क्यों जनरल कैटेगरी को आपने असंवैधानिक क्या कहते हैं दे दिया 10%? विरोध तो आपने भी नहीं, हमने किया, मेरा रिकॉर्ड है, आपके भी रिकॉर्ड है, आपको याद नहीं है, आपके चैनल पर मैंने कहा यह असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, देश में आरक्षण को कुचलने का एक साजिश है, और वही साजिश अमल, और सारे दलित लीडर चुप खामोशी छाने रहे। 10% आरक्षण संविधान में है कहीं पर, ईडब्ल्यूएस पर? वही तो सवाल है ना, तो किस आधार पे दिया मोदी जी? मोदी जी से पूछिए ना, भाजपा से पूछिए, आपने किस आधार पर दिया? जो आरक्षण विरोधी है वो आज भी कहते हैं कि इकोनॉमिकल बेस पर दीजिए, हम कहते हैं नो, सोशल बेस पर, संविधान कहता है सोशल और आप कहते हैं इकोनॉमिकल, आप संविधान विरोधी हैं, आप समाज विरोधी हैं। जब संविधान हमको सोशल दे रहा है, बाबा साहब ने कहा कि सोशल पिछड़ेपन को दूर करना है, हमको मुख्यधारा से इनको जोड़ना है, तो आप इकोनॉमिकल क्यों रट रहे हैं? इकोनॉमिकल रटना ही साजिश इनकी है, और उस साजिश का पर्दाफाश आप लोग नहीं कर सके दुर्भाग्य से, या आप लोगों की भी विफलता है। आइंदा ध्यान रखिए, जब एससी एसटी के कोई भी लोग धरना प्रदर्शन में आए, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूं, तो ये सवाल जरूर कीजिए कि सामान्य वर्ग को रिजर्वेशन क्यों मिल गया? अनुच्छेद 341 पर जो 10 अगस्त 1950 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने धार्मिक प्रतिबंध लगा दिया था,
हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये विनती करने आए हैं कि आपने कहा है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, और हैदराबाद में जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक चल रही थी तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पसमानदा मुसलमानों का जिक्र करते हुए ये कहा है कि पसमानदा मुसलमानों को मुख्यधारा से हम जोड़ना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या करेंगे आप जोड़कर? आप झंडा ढुलवाएंगे, नारे लगवाएंगे या कुछ करेंगे उनके लिए? यदि आप पसमानदा मुसलमानों के लिए कुछ करना चाहते हैं मोदी जी, तो आपको कोई ऐलान करने की जरूरत नहीं है। अनुच्छेद 341 पर धार्मिक प्रतिबंध समाप्त कीजिए, भारत का सारा पसमानदा दलित पिछड़ा मुसलमान आपके साथ खड़ा रहेगा। ये मैं वादा करता हूँ, वचन देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप पिछड़े मुसलमानों पर भरोसा करें, आप दलित मुसलमानों पर यकीन करें, आप पसमानदा मुसलमानों को बातों पर भरोसा करें, और आप इस काम को करें। आपको कहीं प्रचार करने की जरूरत नहीं होगी और भाइयों बहनों कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वोट खुद ही आपकी तरफ मुड़कर चला जाएगा। यही विनती करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम मेमोरेंडम भी देंगे कि प्रधानमंत्री जी, देश का पिछड़ा दलित पसमानदा मुसलमान जिसको आपने आपने कहा है, आपने कमेंट किया है कि सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, आपने कहा नारे में, हमने नहीं कहा, तो सबका साथ में हम नहीं है क्या? सबके विकास में हम नहीं है क्या? सबके विश्वास में हम नहीं है क्या? सबके प्रयास में हम नहीं है क्या? अरे सबके प्रयास में सबसे आगे हमें पूरे देश में, चाहे रोडों का सफाई हो, सीवर की सफाई हो, या मुर्गा बेचना हो, मछली बेचना हो, फल बेचना हो, दूध बेचना हो, सब्जी बेचना हो, रेहरी पटरी झल्ली पल्ली, यहाँ तक के पंचर, हमें तो लोग पंचर पुत्र कहते हैं, पंचर बनाने वाले हैं। आप करोड़ों की गाड़ी से आ जाइए, अगर गाड़ी पंचर हो गई और अगर मेरे जैसा पंचर बनाने वाला नहीं रहा तो आपकी गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी। आज तक हमने हड़ताल नहीं किया पूरे भारत में, न पंचर वालों ने, न मुर्गा मछली वालों ने, न रेहरी पटरी वालों ने, न दूध वालों ने, न फल वालों ने। तो हमारे यहाँ जो इतनी लंबी सूची है, जो हमारे अंसारी, मंसूरी, रायन, अलालकोट, चमेला, जोजा, इदरीसी, मियासी, अब्बासी, ललबेगी, हेला, क्या कहते हैं आपको, शक्का, ये सारी बिरादरियाँ जो है हमारे यहाँ, नाई, तेली, धोबी, ये सारी बिरादरियाँ हैं, इतनी लंबी फेरिस्त हमारे यहाँ हैं, जिनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए 8 वर्षों में आपने कोई काम नहीं किया। अब अवसर मिला है, आप काम कीजिए, और काम का इनाम देने के लिए पूरा समाज आपको तैयार है।